साथियों, जय भीम। छोटा सा सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मेरी माता और बहने, मेरे बुजुर्ग, मेरे छोटे भाई को सबको उनका क्रांतिकारी जय भीम। उन्होंने कहा है कि साथियों, जब तक जिंदा हूं महापुरुषों का काम करता रहूंगा और जिस दिन मरूंगा उस दिन इस देश के अंदर ऐसे ऐसे बीज निकलेंगे महापुरुषों का काम करने के लिए कि मनवा की सरकार है। आप सब लोगों से हर बार की बात ही, क्योंकि भीम आदमी के लोग हैं, क्षमा चाहूंगा, गलत ज्यादा बोलते हैं। मैं नमन करना चाहूंगा तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, गुरु वाल्मीकि जी, गुरु नानक देव जी, गुरु कबीरदास जी, या वो तमाम संत महापुरुष जिन्होंने इस देश में समानता की बात की है, उनके चरणों में नतमस्तक होता हूं। और डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, भगत सिंह, ऐसे ऐसे महापुरुषों को क्रांतिकारी स्मृत मानता हूं। साथियों, शेखर भाई ने एक मैसेज और भिजवाया है। उन्होंने कहा है, अभी सब साथियों ने जिग्नेश भाई को बहुत सारी बधाई दी, लेकिन हम भीम आर्मी के लोगों ने बधाई नहीं, जिम्मेदारी देना चाहते हैं। जो समाज ने इज्जत बख्शी है वो इज्जत उन्हें बरकरार रखनी पड़ेगी। कैसे? आपको उनके राइट और लेफ्ट हैंड बनकर के निकलना होगा, क्योंकि अकेले जिग्नेश भाई शायद कुछ ना कर पाए, लेकिन जब आप निकल के यहां से इस देश के अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ हो पाएगा। साथियों, भीम आर्मी का मकसद इस देश में राजनीति करना नहीं है। भीम आर्मी का मकसद इस देश की व्यवस्था को परिवर्तित करना है। हम चाहते हैं कि जो कोई राजनीति करे, इस देश में किसी की भी सत्ता रहे, लेकिन जनता का इतना दबाव और प्रेशर रहना चाहिए कि जब जनता हाथ उठाने के बाद कहते कि ये गलत है तो वो गलत है, नोटबंदी गलत है तो नोटबंदी गलत है, जीएसटी गलत है तो जीएसटी गलत है, और नौकरी नहीं दोगे तो ये भी गलत है। ये हम लोग चाहते हैं, ये सोचना आपको है। तो कल ऐसा भी हो सकता है, कल आप मुझे चुनाव जिता दे, चंद्रशेखर को चुनाव जिता दे, मोहित पांडे को जिता दे, जिग्नेश भाई को जिता दे, सैला रशीद को जिता दे, कल हम भी गलत हो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक घर घर से कम कांशीराम साहब पैदा हो, प्रत्येक घर से निकले। हम घर घर में बाबा साहब को पहुंचाना चाहते हैं। इसमें आप सभी की जरूरत है साथियों, इस देश के कोने कोने तक भीम आर्मी को पहुंचाना चाहते हैं। जिग्नेश भाई जैसे युवा निकलकर सामने आए हैं, बहुत ताकत लगाई, बताया गया कि कार्यक्रम नहीं है, लेकिन समानता की बात करने वालों के पास तो कोई रोक पाया है नहीं रोक पाया। अब आप सोचिए कि अगर हम सब एक साथ होकर के लड़ना शुरू कर देंगे तो जिस संघ की आज बात करते हैं, जिस भाजपा आरएसएस की आज बात करते हैं, उनकी पैंटे ना गिली हो जाए तो कहिएगा आप लोग। लेकिन साथियों, अभी मैं यहां पर बैठा हुआ था, कुछ साथियों ने जातियों की बात कही, जातियों की, कि जातियां क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भीम आर्मी वालों की जातियां क्या क्या है। हम वो प्रत्येक चमार है, वो वाल्मीकि, वो कंजर, वो डूम, वो डब्बी, वो नई, वो लुहार, वो पासी, वो कंजर है जिन लोगों पर शोषण किया जाता है। हम वो ब्राह्मण है जिन पर शोषण किया जाता है। हम वो क्षत्रिय है जिन पर शोषण किया जाता है। क्योंकि इस देश में दो व्यवस्था लागू है, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, और पूंजीवाद का शिकार वो प्रत्येक समाज है जिस पर शोषण किया जा रहा है। हम दलित की संज्ञा उन लोगों से लेते हैं कि जो शोषित है। साथियों, इस देश की छोटी छोटी व्यवस्थाओं को देखना। सहारनपुर से दिल्ली आए तो पता लगा कि बहुत सारे साथी आवाज उठाने के लिए हैं, लेकिन अभी तक क्षेत्रों में स्थिति यह है कि अगर एक लड़की का बलात्कार हो जाए तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, 500,000 में फैसले हो जाते हैं। तो हम लोगों को लड़ाई ये वहां तक लड़नी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बिठाएंगे जगदेश भाई को, बिठाएंगे और साथियों को, लड़ेंगे वहां, और हम जैसे लोग लड़ाई लड़ेंगे जमीन पर, उन साथियों का न्याय दिलाने का काम करेंगे जहां पर आज तक कोई समानता की बात नहीं करता।
मेरा निवेदन है अपने आप सभी साथियों से कि साथ उसका दे जो सही हो, उसका साथ ना दे जो गलत हो, क्योंकि जब तक आपको गई सही गलत की पहचान नहीं होगी तो काम इस देश का व्यवस्था आगे बढ़ने वाली नहीं है। अभी एक मूर्ख एमपी ने कहा संविधान बदल देंगे। अरे चंद्रशेखर पर देशद्रोह लगाते हो, जिग्नेश को बिना कारण फंसाते हो, उमर खालिद पर देशद्रोह लगाने की बात करते हो, उस नीच देशद्रोही को उस पर आकर एनएसए क्यों नहीं लगा? ये है जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, इस देश में सही मायने में वो देशद्रोही है। जो लोग महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करते इस देश में वो देशद्रोही है। और ये जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं, अभी कह रहे थे ना मोहित पांडे जी कि भैया कुछ देकर जाना, पैसे नहीं है बैनर छपवाने के लिए, तो सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि कौन किस दिशा में देश को लेकर जाना चाहता है। ये देश को पूंजीवादियों के हाथ में पूर्णतया सौंप देना चाहते हैं। जब भी तो चंद्रशेखर जैसे आज लोग जेल में है, क्योंकि वो बीज है। बीज कैसे? बीज जितने धरती में डालते जाओगे अंबेडकर के भगवान का बीज उतना ज्यादा भाग निकल सकता है। अब साथियों आप सब लोगों को सोचना है, अब अपने क्षेत्र में जाकर के, अब अपने गांव में जाकर के, अब अपने जिले प्रदेशों में जाकर के कि क्या करना है। चंद्रशेखर भाई को बाहर निकालना है नहीं निकालना, ये आपकी जिम्मेदारी है। भीमा कोरे गांव के हत्यारों को सजा दिलवानी है नहीं दिलवानी, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि व्यवस्था है ये चलती रहेगी, व्यवस्था रुकने वाली नहीं है। आप चाहते हो व्यवस्था रुके? जिसकी बात जिग्नेश भाई बार बार करते हैं कि लोगों को रोजगार मिले, जिसकी बात जिग्नेश भाई बार बार करते हैं लोगों को जमीन मिले, तो इस व्यवस्था परिवर्तन में आप सबको अपनी हिस्सेदारी तय करनी होगी। अगर हिस्सेदारी तय नहीं करोगे तो काम नहीं चलने वाला। और हम भीम आर्मी के लोग आज ये अनाउंस करते हैं सरकार को कि हम आरक्षण पर नहीं लड़ना चाहते। आरक्षण इतना सा, हम इतने सारे हो चुके हैं, हमें भी इस देश के प्रत्येक जर्रे जर्रे में हिस्सेदारी चाहिए। हमें यहाँ की जमीनों में हिस्सेदारी चाहिए, यहाँ की नौकरियों में हिस्सेदारी चाहिए, यहाँ की पार्लियामेंट में हिस्सेदारी चाहिए, यहाँ के अच्छे बुरे सभी कामों में हिस्सेदारी चाहिए। साथियों एक छोटी सी बात और, मैं इस मंच के जितने साथी हैं उन सबसे ज्यादा ये कहना चाहता हूँ कि भीम आर्मी 24 तारीख से पूरे देश के अंदर एक कार्यक्रम करने जा रही है जिसका नाम होगा संविधान के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। वो कार्यक्रम की कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होगी, आप जहां पर भी निवास करते हैं, आप जहां पर भी रहते हैं, वहां पर संविधान को लेकर के एक छोटी सी यात्रा, चाहे वो 10 कदम की यात्रा हो, वो कीजिएगा। उसका फैक्ट डालना चाहते हैं देश के ऊपर कि अभी संविधान को बचाने वाले लोग हैं, अभी भीम आर्मी जैसे कार्यकर्ता है, अभी चंद्रशेखर एडवोकेट नावड़ जैसे कार्यकर्ता है। तो साथियों मेरा निवेदन है आप प्रत्येक क्षेत्र में ये काम जरूर कीजिएगा। अब मैं इस मंच को, पूरे मंच का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, यहाँ पर आकर बोलने का मौका दिया। इस बीच अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। जय हिंद।